अस्सलाम वालेकुम, कंट्री न्यूज़ के साथ मैं हूं सरदार अशर और आज मैं मौजूद हूं ट्रेल 5 में। आइए चलते हैं, लोगों से पूछते हैं यहां पे आके उनको कैसा लगता है, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं यहां पे आके। वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? जी बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको ट्रेल 5 में कैसा लग रहा है, आप क्या कहते हैं कि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है यहाँ पे हाइकिंग करना कि नहीं? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा एग्जाम है और वो कम से कम जो है वो बंदों को 24 घंटे में एक घंटा जो है अपने ऊपर लाजमी देना चाहिए। और बिलखसूस जो हमारे जो बहन भाई जो इनकी एज है वो 30 से अबो है, उन्हें स्पेशली इस साइड पे तवज्जो देनी चाहिए। और वैसे एक घंटा तो अपना आपका तो बनता है, अगर हम बाकी जो टाइम है हम वो बाकी कामों पे देते हैं तो एक घंटा ज़रूरी है कि हम अपने आप को भी दें। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप ट्रेल 5 में इस टाइम बैठे हुए और माशाल्लाह अंडों का आपने कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप मुझे बताएं आपका कैसा कारोबार चल रहा है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजारा हो जाता है, शुक्र उस मालिक का, देने वाली रोजी बहुत पाक ज़ात है। क्या नाम है भाई का? मेरा ज़ुबैर चौधरी। अच्छा क्या करते हैं आप? मैं सर प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा आप मुझे बताएं ट्रेल 5 में आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैंने देखा है कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। अच्छा। अगर कोई बंदा गिर जाए या कोई मसला बन जाए तो मैंने देखा है यहाँ पे ऐसी सहूलत मुझे सामने नज़र नहीं आई है। हाँ ये है कि सफाई का थोड़ा ख्याल है, ठीक है, तो बाकी मैंने देखा है यहाँ पे किराए के लिए थोड़े शूज़ होने चाहिए, बाज़ लोगों को रास्ते की मालूमात थोड़ी सही नहीं है। ज़बरदस्त। तो कम से कम यहाँ पे शूज़ होने चाहिए, इनको किराए पे देने चाहिए ताकि जो आदमी नया एक आए, बिजनेस का बिजनेस हो जाएगा जी, और जो आदमी नया हो उसके लिए आसानी पैदा हो जाए। मैंने काफ़ी आदमियों को देखा है गिरते हुए और जूतियाँ टूटते हुए। तो आपने उनकी हेल्प की है? फिर हम क्या हेल्प करें, हमारे पास अपनी अपनी जूती है। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है सर। अच्छा। तो मैं जॉब कर रहा हूँ एटॉमिक एनर्जी में। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। तो हम जो है आज चार दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया है कि भाई आज ट्रेल 5 का विजिट करेंगे। अच्छा आप लोग बचपन के दोस्त हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से, और हम क्लास फेलो भी हैं। अच्छा ज़बरदस्त, आप चारों मतलब इस तरह क्लास फेलो हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइमरी से लेके समझ लें हमने कॉलेज की लाइफ तक जो है अच्छा इकट्ठा पढ़ा है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इकट्ठे चल रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, आप लोग इंजॉय करते हैं इकट्ठे मिलके, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और इंशाल्लाह हम ये हमारी यही कोशिश है कि अल्लाह ताला हमें जो है आगे भी इसी तरह रखे। ज़बरदस्त, अभी मुझे बहुत खुशी हुई है, देखें आप चारों इस तरह बैठे हुए हैं ट्रेल 5 एक हाइकिंग जहाँ पे लोग हाइकिंग वगैरह करते हैं और उनकी फिट बहुत मज़ा आया है, बहुत मज़ा आया है, जितना भी कम कहें बहुत बहुत ही लुत्फानंदोज़ में हुए हैं सारे। और बड़ा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम है कि अपनी फैमिली को साथ लेके आएँ, बच्चों को लेके आएँ। और हमने देखा है अभी आज बहुत से लोग हैं, रश भी काफ़ी ज़्यादा है और बड़े पुर लुत्फ हो रहे हैं, लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताएं कि आपको यहाँ पे ट्रेल 5 में आप मतलब डेली आते हैं, आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? नहीं हम डेली तो नहीं आते, हम महीने में एक दफ़ा आते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है जो कुदरती पानी के चश्मे हैं उनका सफाई का ख्याल कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये इन गवर्नमेंट को चाहिए कि चश्मे पानी के जो चश्मे हैं सफाई का ख्याल करें और ताकि लोगों को कुदरती माहौल जो है लुत्फानंदोज हो सके। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम बदर। अच्छा बदर भाई आप मुझे ये बताएं, अभी आप ट्रेल 5 से वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपने ऊपर क्या फील किया, कैसा महसूस हुआ आपको? एक्चुअली चूंकि हम यहाँ पे इस्लामाबाद बेस्ड हैं और यहाँ पे हमारी ये वीकली एक्टिविटी है कि हम जो अपनी वीकली स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए अक्सर ट्रेल 5 और 3 पे आते हैं, वॉक करते हैं 8 to 9 किलोमीटर्स। तो हमारा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, आप बड़ा खुद को नेचर से करीब फील करते हैं, डिफरेंट परिंदे आपको नज़र आते हैं, ग्रीनरी आती है, आपको पानी के चश्मे मिलते हैं, तो इट्स ए गुड एक्टिविटी। तो कितनी उम्र से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मुझे को 8-9 साल हो गए हम वीकली आते हैं यहाँ। अच्छा क्या हाल है भाई? ठीक ठाक आप सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? इफ्तिखार सैन। अच्छा इफ्तिखार भाई मुझे ये बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी आप ट्रेल 5 से वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं, आपने माशाल्लाह हाइकिंग किया, टॉप तक गए थे क्या? नहीं आधे रास्ते गए थे बस, बहुत मज़ा आया इधर। अच्छा। पूरा हफ्ता इंसान मतलब यूनिवर्सिटी में बिजी होता है तो सैटरडे संडे को इधर आके फिर बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, बहुत मज़ा आता है, परिंदों की आवाज़ें अलग माहौल है। ऐसा ही है बिल्कुल जी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि टॉप तक जाना ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा थक जाता है बंदा? हाँ बहुत ज़्यादा थक जाता है, स्टेमिना ना होना तो फिर मुश्किल है बहुत। अच्छा तो हम आधे रास्ते तक गए हैं फिर वापस आए हैं। अच्छा इसका मतलब बहुत मुश्किल है टॉप तक जाना और बहुत मतलब स्टेमिना की ज़रूरत है उसकी? बिल्कुल बिल्कुल स्टेमिना की ज़रूरत है, स्टेमिना ना हो तो बहुत मुश्किल है। क्या हाल है सर? ठीक ठाक जी। आपका नाम? मलिक अल फराज़ जी।
अच्छा बिल्कुल गुलफराज भाई, ये बताएं मुझे कि आपको ट्रेल फाइव में हाइकिंग करके कैसा महसूस हो रहा है? जी मैं गुज़श्ता 5 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ ज़बरदस्त, और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद पिंडी इस्लामाबाद में इससे बेहतर लोकेशन आपको नहीं मिल सकती इंजॉयमेंट के लिहाज से। जी जी बहुत ज़बरदस्त है कि ये ज़बरदस्त। अच्छा आप क्या मशवरा देना चाहते हैं जो मतलब है लोग ये वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई लोग हैं जिनको नहीं पता ट्रेल फाइव के बारे में, वो यहाँ पे आए विजिट करें क्या करें? जी जी ज़रूर इंशाल्लाह एक बार विजिट करें तो मज़ा ना आए तो कैसे होगा। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद हसन। अच्छा सर आप मुझे बताएं आप यहाँ पे ट्रेल फाइव में आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप इस ट्रेल फाइव की क्या तारीफ करना चाहते हैं? ये अगर इन शॉर्ट मैं कहूँ तो ये ऐसे ही है कि आप जन्नत में रहते हो और जन्नत का बेहतरीन फल ना खाएं, ये इस्लामाबाद के लोगों के लिए मेरा मैसेज है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पिंडी वेस्टेज से आते हैं, कुछ बहरिया से आते हैं, लेकिन वो लोग शौकीन हैं। अगर आपको ट्रेल का एक दफ़ा नशा हो जाए, सेकंड सेंस में आप ये कह सकते हैं कि नशा है, और मुझे तो है। अच्छा मैं तो ईद वाले दिन भी आ जाता हूँ। ये नशा तो हर किसी को हो तो अच्छी, हर किसी को होना चाहिए। और इस वेल्थ है आपकी, मतलब आप ये देखें कि आप इस्लामाबाद में रहते हैं जी, और इतनी प्यारी जगह है ये, ऐसे ही है, फ्रेश ऑक्सीजन, ग्रीनरी, इवन के डॉक्टर्स कहते हैं कि वंस इन अ वीक यू हैव टू विजिट ग्रीन। तो आपके पास इस्लामाबाद है, फुल टाइम ग्रीन है, आप लोगों को आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि दिन में 2 दफ़ा आएँ। ज़बरदस्त। और मैं रेगुलर तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपने अपने आप को बहुत फिट रखा। आपकी उम्र क्या है? मेरी 44। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लगते नहीं वैसे 44 के। यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ। या मेरा एक दोस्त था, मुझे कहता होता था लुक इफ़ यू डोंट केयर योरसेल्फ नोबडी केयर्स यू, सो यू हैव टू केयर योरसेल्फ। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आप यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारी यंग जनरेशन जब तक इस मोबाइल के अजाब से नहीं निकलेगी और गेम्स की तरफ नहीं आएगी, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं आएगी, आजकल तो हमारी जो ख़ासकर जो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में नशे की जो लत पड़ गई है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और मैं तो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, क्योंकि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है आई एम नॉट, मुझे ब्राइट नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी नई नस्ल नशे में तबाह हुई है बिल्कुल। और उसी नशे की वजह से हमारा एक मुल्क मतलब डाउन होता जा रहा है। डेफिनेटली ऐसे ही है, जब आपकी यूथ जो है वो नशे में लग जाएगी, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ नहीं करेगी, तो डेफिनेटली क्लब्स की तरफ जाएंगे आप। कैसे आप? अल्लाह शो ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा आप माशाल्लाह बाप हैं और आप इनके बेटे? आप जी बिल्कुल, इज माय यंगर सन। अच्छा माशाल्लाह, तो आप मतलब फैमिली को लेके आते हैं ट्रेल फाइव पे? बस बच्चे जब बेजार आ जाते हैं थोड़ा सा घर से, थोड़ी सी आउटिंग के लिए। आपने माशाल्लाह ये बड़ा सीनिक किस्म का, बड़ा बेहतरीन किस्म का ट्रेल है। ट्रेल 3 इसके बिल्कुल साथ ही है एक थोड़े से फासले पे, लेकिन ट्रेल 5 बड़ा ज़रा वर्सटाइल किस्म का ट्रेल है। और इसमें बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें हर किस्म का आपको हाइट भी मिलेगी, आपको एक हर किस्म का ब्यूटीफुल किस्म का व्यू भी मिलेगा, और इसमें आप फुल्ली इंजॉय कर सकते हैं, बेहतरीन किस्म की तफरी है बिल्कुल। अच्छा ये माशाल्लाह देखें आप अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ हेल्दी रख रहे हैं यहाँ पे ट्रेल फाइव में आके, मगर यहाँ पे मैंने सुना था पिछले दिनों के यहाँ पे कोई चीता वगैरह निकला हुआ है, उस तरह की कोई अगवा फैली थी, तो उसके हवाले से आपको कभी डर नहीं लगा? नहीं देखें, बेसिकली वाइल्ड लाइफ जो है जानवरों की एक नेचर होती है, और अगर हम बींग इंसान मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा हार्मफुल तो कोई वाइल्ड लाइफ के लिए भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके वो हमें वॉच करके वो अपनी उनकी अलग दुनिया है, उनके अलग एक हैबिटेट है, वो हमसे परे परे रहते हैं, और वो आमतौर पर उस वक्त निकलते हैं जब हम लोग घरों को वापस जा चुके होते हैं, अनलेस के जब हम उनको छेड़ें, हम उनका नेचुरल हैबिटेट ख़राब करें, उनकी जो जंगलात को काटें या उनकी हैबिटेट को डिस्टर्ब करें, तो वो आपको कभी भी नहीं तंग करेंगे वो।